वेलकम एवरी वन वेलकम टू जीरो एसोसिएशन तो आज हम लोग जो आजकल बहुत तेज़ी से न्यूज़ फैल रही है जापान साउथ कोरिया और इन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जैसे इटली के ऊपर भी अभी न्यूज़ आई थी इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इनमें बच्चे पैदा होने की दर है ये कैसे कम होती जा रही है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये देश कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे अगर मैं इटली का एग्जाम्पल दूं तो पिछले तीन महीने पहले आपको एक रिपोर्ट आई होगी उसमें यह रिकॉर्ड किया गया था कि पिछले तीन महीने में इटली में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और आपको एक शॉकिंग बात मैं बता दूं कि वहां पर सौ से ऊपर ऐसे गांव हैं जो बीराना हो चुके हैं उनमें एक भी व्यक्ति नहीं रहता है तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वहां के लिए तो क्या ये प्रॉब्लम इंडिया को इफेक्ट करेगी या क्या इंडिया उस फेज पर कभी जाएगा क्योंकि हमारे यहां भी एक समय बाद ऐसा फेज आएगा ही क्योंकि चाइना ने भी आपने देखा होगा कि चाइना ने पहले एक बच्चे की पॉलिसी की थी लेकिन अब तुरंत ही उसने एक बच्चे की पॉलिसी हटाकर दो बच्चे की पॉलिसी कर दी है कि एक व्यक्ति दो बच्चे रख सकता है या पैदा कर सकता है तो ये क्या है क्यों चाइना इस फेज में जा रहा है क्योंकि उसको एक समय बाद समझ में आ गया है कि अगर हमारे यहां दर ही ज्यादा नहीं होगी तो ये जो भी डेवलपमेंट हमें दिख रही है ये कहां पर होगी तो इसलिए हमें समझना ये जरूरी है टेक्निकलिटीज से कि ये सारी चीजें क्या होती हैं ये ग्राफ किस तरह काम करता है और इन देशों में क्या प्रोसेस हुई क्यों ये हो रहा है क्योंकि आजकल समय में आप भी देख रहे होंगे कि पहले इंडिया में क्या होता था जब आजादी के पहले जब शिक्षा का अभाव था काफी उस समय क्या था कि डेथ रेट भी ज्यादा थी और जन्म दर भी ज्यादा थी मतलब लोग मर भी ज्यादा रहे थे और जन्म भी ज्यादा लोगों का हो रहा था ये एक कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व होता है जिसको हमें समझना जरूरी है तो मैं एक कर्व के थ्रू आपको यह समझाता हूं कि यह बेसिक चीजें किस किस स्टेज में कैसे कैसे काम करती हैं तो जिस कर्व की मैं बात कर रहा था वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ये एक थ्योरी है बेसिकली जिसके थ्रू हम मान के चल रहे हैं कि इसी तरीके से चीजें मूव कर रही अभी तक तो ऐसे ही काम कर रही तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा तो यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है यह ग्राफ किसके किसके बीच में बना हुआ है टाइम और बर्थ एंड डेथ पर थाउजेंड पर ईयर। ठीक है इसके बीच में एक ग्राफ बना है अब यहां पर कुछ स्टेजेस हैं। बहुत ध्यान समझिएगा मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा पहला स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज पहला स्टेज जब भी कोई कंट्री बन रही होती है या एक फेज में होती है तो वो पहले स्टेज से स्टार्ट करती है ठीक है अब यहां पर आपको जो ये बैंगनी कलर का दिख रहा है ये बर्थ रेट है और ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रही है ये डेथ रेट है और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पॉपुलेशन ग्रोथ है ठीक है तो जब कोई कंट्री स्टार्टिंग में हो रही होती है जब एजुकेशन नहीं होता है या स्टार्टिंग फेज में होती है उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है ठीक है तो बर्थ रेट और डेथ रेट जब हाई होता है हाई स्टेशनरी पॉइंट होता है उस समय आप देख रहे हो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ऑरेंज लाइन है ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिख रही है ये बिल्कुल यहीं यहीं पर चल रही है ठीक है ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रही है लेकिन जब हम सेकेंड फेज पर पहुंचते हैं जो है अर्ली एक्सपेंडिंग ठीक है ये एक्सपेंशन होना शुरू हो रहा है तो इस फेज में क्या होता है बर्थ रेट तो काफी ऊपर रहती है लेकिन डेथ रेट घटने रखती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है बर्थ रेट बढ़ रही है मतलब जन्म दर ज्यादा है बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और जो डेथ रेट है वो कम हो रही है मतलब लोग मर भी कम रहे हैं इसका मतलब क्या है यहां पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ना शुरू हो चुकी हैं एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा है तो वहां पर क्या है लोग मर भी कम रहे हैं और जन्म भी ज्यादा लोग ले रहे हैं तो उस स्टेज में क्या होता है आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होती है ऑब्वियसली बढ़ेगी जन्म भी ज्यादा हो रहा है और मर भी कम लग लग रहे हैं तो इंडिया का आप एग्जाम्पल लीजिए 1921 के आसपास जब था इंडिया में तब यह स्टेज आया था जब हमारे यहां अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी ठीक है तो यहां पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होती है उन्नीस के बाद अब जब तीसरे फेज में हम पहुंचते हैं दैट इज लेट एक्सपेंडिंग ये क्या था अर्ली एक्सपेंडिंग था मतलब शुरुआत में जो बढ़ रहा है दूसरा क्या होता है लेट एक्सपेंशन लेट एक्सपेंशन में क्या होता है बर्थ दर भी कम होती है और डेथ रेट कांस्टेंट हो चुकी होती है मतलब जन्म लोग कम ले रहे होते हैं और डेथ रेट भी कांस्टेंट हो चुकी होती है मतलब जितने लोग मर रहे थे वो एक कांस्टेंट रेट पर चलने लगता है तो इस समय क्या होता है पॉपुलेशन अचानक से बढ़ती है पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि ये वाला जो फेज था जहां पर जन्म हो रहा था उस फेज के लोग अब आगे भी कंटिन्यू होंगे तो उस समय क्या होता है अचानक से पॉपुलेशन बढ़ती है यही हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हो जाना तो यहां पर यह पो, पोजिशन में पहुंचता है और फिर एक समय बाद जब फोर्थ स्टेज पर हम पहुंचते हैं दैट इज लो स्टेशनरी यहां पर क्या होता है बर्थ जो रेट होती है वो आप देख रहे हो कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन एक कांस्टेंट टर्म में चल रही है और डेथ रेट बहुत कांस्टेंट हो चुका है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है इसका मतलब एक सेचुरेशन पॉइंट आ चुका होता है जैसे चाइना की स्थिति अगर आप देखो तो चाइना ने क्या कहा था कि एक बच्चे पैदा करना है कुछ समय पहले एक रूल आया था उनके पास तो एक बच्चे तो वहां पर क्या हुआ उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल से ही एक स्टेबल पॉइंट पॉइंट पर आ गई बट फिर उनो, उनको ये समझ में आया कि अगर हम इसी कांस्टेंट से चलें तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं क्योंकि वहां की मेडिकल सुविधाएं अच्छी है तो उनकी डेथ नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा जो, जो इंडिया को क्या कहा जाता है इंडिया एक यंग कंट्री है उनतीस पच्चीस से पैंतीस साल के लोग सबसे ज्यादा यहां पर बोला जाता है मतलब ये यंग कंट्री है मतलब एवरेज एज बढ़ना शुरू हो जाएगी जो अभी अपने कंट्री के साथ हो रही है इंडिया के साथ हो रही है एवरेज एज बढ़ना शुरू हो जाएगी और अगर एवरेज एज बढ़ना शुरू हो गई मतलब लोग बुजुर्ग होने लगेंगे तो इसका मतलब ये है जन्म दर तो कम हो गई है और डेथ रेट भी एक कांस्टेंट हो गई है तो लोगों की एज का जो वो ग्राफ है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब मीन वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी और मीन वैल्यू बढ़ेगी मतलब जो हम इफिशियंसी लेना चाहते वो नहीं ले पाएंगे और जो इटली साउथ कोरिया और ये जो कंट्रीज में जो स्थितियां पैदा हो रही जो जापान एलान मस्क ने भी अभी बोला है कि जापान कुछ दिन बाद मैप से खत्म हो जाएगा तो ये जो पोजीशन आती है ना एक पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाना वो वहां पर हो रही है ठीक है तो इस तरीके की चीजें होना शुरू हो जाती हैं और जैसे आजकल आप भी देख रहे हो कि जो आजकल की यंग जनरेशन है वो मैरिज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो एक फेज है वो एक फेज है जो उनको समझ में आता है कि नहीं तो जब मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं होगी तो बर्थ रेट कम हो जाएगी बर्थ रेट कम होगी तो एवरेज जो एज है पूरी कंट्री की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये कंट्री जो है वो एक मतलब पॉपुलेशन सेचुरेशन की तरफ जाने लगेगी इसी वजह से आज जापान की ये स्थिति होने जा रही है इटली की भी ये स्थिति इटली की तो स्थिति इतनी बुरी है कि जो गवर्नमेंट है वो इसी बात पर बनती और बिगड़ती है कि बर्थ रेट को हम कैसे बढ़ाएं दूसरा इटली की गवर्नमेंट बाहर के लोगों को अपने यहां रहने के लिए इनवाइट कर रही है मतलब अगर कोई यंग व्यक्ति वहां जाना चाहता है तो वो वहां पर प्रॉपर्टी उसको नौकरी वहां पर पैसे और शादी करके वहां पर रहकर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करने के लिए वहां पर वो बाकायदे पैसे देते हैं सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी बड़ा मुद्दा है ये क्योंकि आप ही सोच के देखिए ना कि अगर किसी देश का यंग लोग जो हैं वो बुजुर्गियत की तरफ बढ़ने लगेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर जो भी काम चल रहे हैं जो एक यंग एक एफिशिएंसी से कर पाएगा तो उसकी इफिशियंसी मतलब सीधे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और वो कंट्री सीधे ग्राफ उसका नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो इस वजह से ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वैसे बहुत सारे लोग इसको काफी मजाक में लेते हैं बट ये एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है पूरी तरीके से काम कर रही है तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमको समझना जरूरी था जो शायद ही कोई अभी तक समझा नहीं पा रहा है कोई बता ही नहीं रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक प्रोसेस है इंडिया भी अभी थर्ड फेज में है आगे हो सकता है इंडिया लो स्टेशनरी फेज पर जाने वाला है उसी ट्रांजिशन फेज पर है इंडिया तो इंडिया आगे चल के पांच से दस साल बाद इंडिया में भी मे भी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है कि थोड़ा सा हमें चाइना ने यही तो किया एक बच्चे की पॉलिसी थी वहां पर उन्होंने बढ़ाकर दो बच्चे कर दिए क्योंकि उनको पता है कि अगर दो बच्चे नहीं करेंगे और लोग इस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे तो वहां की क्या है एवरेज पॉपुलेशन जो एज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और अगर एवरेज एज किसी कंट्री की बढ़ गई तो मतलब वो कंट्री बुजुर्ग कहा जाता है ना इंडिया एक युवा देश है तो वही होने लगेगा कि एज बढ़ना शुरू होगी मतलब बुजुर्ग लोग मतलब डेथ रेट तो कौन कम हो गई है बर्थ रेट भी कम हो गई है तो ये होने लगता है तो इंडिया अभी इसी ट्रांजिशन फेज पर है तो इस ये प्रॉब्लम आगे आकर हमारे सामने भी आ सकती है सो so, इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर करिए ये नॉलेज शेयर करिए कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और हमें इससे कैसे निपटने के लिए काम करना चाहिए सो आई थिंक गुड बाय टेक केयर और अगर कोई भी सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा